A few moments later. तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आ गया हूँ पंजाब अहमदगढ़ में, और यहाँ पे हम आपको हमेशा की तरह मशीनरी का ऑप्शन दिखाते रहते हैं। हमारे किसान भाई फार्मर भाइयों के लिए अलग अलग तरह की मशीनरी का ऑप्शन आप लोगों को लाते हैं, जो कि आपके काम को काफ़ी आसान बनाती है। तो मैं आ चुका हूँ एक बार फिर से राजा एंटरप्राइजेस पे, मिलते हैं सर से। हेलो सर, कैसे हैं? अच्छा हूँ मैं, बहुत अच्छा हूँ भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आज हम अपने वीडियो में बेसिकली क्या दिखाने वाले हैं? भाई साहब आपने पिछली बार हमारी ये ब्रश कटर की वीडियो बनाई थी जी, इस बार हमने 2-3 चीजें इसके अटैचमेंट और नई लॉन्च कर दी हैं। हाँ। वो आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे यूज होगा उसका वो बताने वाला हूँ, और इस मशीनों का मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा वो आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा जो 52cc का है उसके बारे में फिर बता देता हूँ। ये 52cc का मशीन है, 4 स्ट्रोक मशीन है, ठीक है। हमारा दूसरों से बेहतर कैसे है, इसमें जो जहाँ से जो मोबिल डलता है इस मशीन के अंदर, इंजन के अंदर, ये 250 ml डलेगा। और आप मार्केट में देखते होंगे ब्रश कटर जो 4 स्ट्रोक होंगे उसमें मात्र 100 ml या 125 ml डलेगा। भाई साहब जो मोबिल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, वो खून की तरह, ब्लड की तरह काम करता है। ज्यादा मोबिल होगा तो ज्यादा आपको सर्विस अच्छी मिलेगी और मशीन सालों साल चलेगी। अगर मोबिल पानी खून ही कम हो गया तो भाई साहब मशीन कम ही चलेगी ना भाई साहब। और ये हमारा 2 स्ट्रोक है, ये तो बहुत फेमस है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो फार्मर मेरे ख्याल कई हजारों की क्वांटिटी में हमें यूज कर चुके हैं इसका। आज हमने नया क्या लॉन्च किया आपकी वीडियो के माध्यम से, एक तो हमने ये स्टोन रिमूवर लॉन्च किया है। कई जगह पे मेरे फार्मर भाइयों के जहाँ पे पत्थर होते हैं वो पत्थर नहीं निकलते थे, तो आज हमने ये स्पेशल स्टोन रिमूवर लॉन्च किया है। और कई जगह पे फार्मर बोलते थे ये टीलिंग अटैचमेंट है भाई कम साइज की आप करके दो, आज वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितने कितने साइज की हमारे पास टीलिंग अटैचमेंट हैं। जैसे कि ये हमारी 13 इंच का है टीलिंग अटैचमेंट, ये आप मात्र 9 इंच का है, ये उससे भी छोटा है 7 इंच का है। अब जिस तरीके के जिस साइज का टेलिंग अटैचमेंट चाहिए हमें लिख के भेजिए, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में अगर देखा जाए तो कोई मेजर डिफरेंस दे रखा है? मेजर डिफरेंस नहीं है भाई साहब, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक एक स्कूटर मोटरसाइकिल की तरह होता है, उसमें भाई साहब अकेला पेट्रोल डलेगा, 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल के साथ 2TL डलेगा। और आज मैं और क्या दिखाने वाला हूँ, ये डिचर है, इसी मशीन के साथ दोनों साइडों पर मिट्टी लगानी है, आप डिचिंग का भी काम कर सकते हैं। ये पैडी व्हील है, जहाँ पे धान की खेती होती है वहाँ पे घास फूस निकालना है तो वहाँ पे ये यूज किया जाएगा। तो ये सारे अटैचमेंट आपके बेसिकली इस ब्रश कटर में लग करके पूरा यूज होने वाले हैं, काफी आपके काम को आसान बना जाएगा पूरा। क्योंकि मेरे फार्मर भाई मशीन तो मंगवा लेते हैं, जैसे ये अलग अलग हम ब्लेड भी भेज देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता ब्लेड कौन सा कहाँ पे लगना है। पहले तो मैं ये बताऊंगा जो ये 2 टीथ का ब्लेड है ये ज्यादा झाड़ी फूस काटने के लिए काम होता आता है। ये 3 टीथ का ब्लेड है, जैसे कि छोलों की कटाई करनी है उसमें यूज होता है। ये 40 टीथ का ब्लेड पड़ा है, यहाँ पे जैसे धान गेहूं आपने सोयाबीन काट रही है, गिल्ला है खेत, वहां पे आप यूज इसका प्रयोग करिए। जहाँ पे आपको सूखा है बिल्कुल तो आप ये 80 टीथ का ब्लेड यूज करिए। इसके अलावा जहाँ पे पत्थर है वहाँ पे आप ये इस टीलिंग अटैचमेंट का प्रयोग करिए, जहाँ पे पत्थर नहीं है तो आप इन टीलिंग अटैचमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ये वाटर पंप भी लग जाता है जो कि पानी निकालने के काम आता है। ये स्प्रे पंप की अटैचमेंट है, इसी की मशीन के साथ स्प्रे पंप का भी आप कार्य कर सकते हैं। और ये चेन सा है, ये पेड़ काटने के काम आता है। तो दोस्तों तरह पे तरह के आप लोगों को यूसेज के लिए अटैचमेंट वगैरह दे रखा है इसके अंदर। इस तरह की मशीनरी आप लेकर के अपने काम को काफ़ी ज़्यादा इजी बना सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये सर जितनी भी मशीनरी सारी आपकी पोर्टेबल दे रखी है? बिल्कुल पोर्टेबल है, बच्चे की तरह है, लाइट वेट है, बच्चे की तरह है, आप उठा सकते हैं बिल्कुल, कोई भी आसानी से आप घर पर लेके जा सकते हैं, घर से खेत आसानी से लेके जा सकते हैं। सर अगर इन मशीनरी को कोई किसान भाई लेना चाहता है तो वो सर कैसे ले सकता है आपसे, और क्या प्रोसेस होता है? भाई साहब फार्मर हमारी कंपनी में आ सकता है, जो कि लुधियाना के पास छोटा सा गांव है अहमदगढ़। जो फार्मर भाई नहीं आने चाहते वो हमसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। पहले तो मैं इनका प्राइस बता देता हूं, जो 4 स्ट्रोक है हमारा 52cc का ये 18,500 का है, और ये 2 स्ट्रोक है ये 13,500 का है। इसके साथ क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूं। एक ये साथ में ये आप नाइलॉन थ्रेड देख रहे हैं, ये घास फूस साफ करने के लिए है। ये 3 टीथ का ब्लेड मिलेगा, 2 टीथ का ब्लेड मिलेगा, एक 40 टीथ का ब्लेड मिलेगा, एक ये 80 टीथ का ब्लेड मिलेगा। सारे अटैचमेंट इसके साथ होने वाले हैं, बिल्कुल जी साथ में फ्री मिलेंगे। क्या बात और इनमें से जो आप ये टीलिंग की अटैचमेंट देख रहे हैं एक फ्री मिलेगी। अच्छा, एक फ्री रहने वाला है। बिल्कुल, अगर फार्मर ने 2 अटैचमेंटें लेनी है तो एक इसकी कोई भी और अलग से लेनी है उसका 3000 रुपया अलग से देना पड़ेगा। वाटर पंप लेना है 2000 रुपया लेना पड़ेगा और स्प्रे पंप की अटैचमेंट लेनी है 4000 का है, चेन सा 3500 का है, पैडी व्हील 5000 का है। ये सबके अलग प्राइस रहेंगे, जो अगर लेना है तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। अब जो फार्मर भाई कंपनी में नहीं आ सकते हैं वो हमसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। पहले तो मैं अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ 9815940212। बाई चांस हम फ़ोन ना उठा पाएँ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए 9815940212, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको लेने के लिए जो भी लेना लिख के भेजिए, हम आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे उसमें 2000 रुपया डलवाना है। उसके बाद अपने एड्रेस भेज देना है, हम मशीन भेज देंगे। जब मशीन आपके लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो आपने बाकी का पैसा अकाउंट में डलवा देना है। जो कोरियर वाला है आपके घर तक डिलीवरी फ्री देगा। और इसमें मेन आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेंटेनेंस कैसे होगी। मशीन की मेंटेनेंस 0 है। जस्ट आपने एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, भाई पैसा लगाया बड़ी आप लोगों का बहुत पैसा मेहनत का है, खून पसीने की कमाई है, तो उसके लिए आपने एक छोटा सा काम मेरा करना है, उसमें मेरी भी इज्जत बनी रहेगी और आपका भी पैसा खराब होने से बचेगा। आपने करना क्या है, जैसे कि इस मशीन का उपयोग किया 10-15 दिन चलाया आपने, उसके बाद मशीन की ज़रूरत नहीं है आपने घर पे रख लिया। अरे भाई जो इसमें का पेट्रोल है ये उल्टा करिए टैंक से अपने स्कूटर मोटरसाइकिल में डाल दीजिए और ये जो जहाँ पे बैलून में रह गया जहाँ से ये पाइप खींचिए और बैलून दबाइए और पाइप कार्बोरेटर पानी जो है कार्बोरेटर से तेल निकल जाएगा। टेक्निकल रीज़न क्या है, जब बरसात होती है पेट्रोल में मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर आ गया तो पानी आ जाएगा तो कार्बोरेटर ख़राब होगा, आपकी मशीन स्टार्ट नहीं करनी। सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है और मशीन आपकी सालों साल बनेगी और हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी इजी मेंटेनेंस दे रखी है सब मशीनरी का। तो किसी को भी यार अपना काम आप लोगों को आसान बनाना हो, आप लोगों को कैसे भी अटैचमेंट चाहिए, आप लोग सर से मंगवा सकते हैं बहुत ही ईजिली। और ऑल ओवर इंडियन की डिलीवरी दे रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चीज और आपके चैनल से, 1 मिनट रुकिए, और एक चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ 1 साल की फुल भाई गारंटी भी दे रहा हूँ। अरे वारंटी नहीं देता, गारंटी देता हूँ। कुछ भी मशीन में खराब हो जाए आपने मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, लिख के भेजना, बोल के नहीं लिख के भेजना है। कुछ खराब हो गया फोटो भेजना है, आपको कंपनी घर तक फ्री भेजेगी, उसका भी डिलीवरी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप उसका फ्री चेंज कराने वाले हैं, बिल्कुल जी कंपनी फ्री ऑफ चेंज करेगी। 1 साल की फुल गारंटी रहेगी। बिल्कुल शर्त यह है कि फोटो भेजनी पड़ेगी। हमारे इतने बेहतर क्यों हैं, क्योंकि जितने भी ये हमारे आप ये ब्रश कटर देख रहे हैं ये हमने मिटिका कंपनी जो कि जापान की है उसी को कॉपी किया है, इसलिए हम इतने बेहतर बनाने में कामयाब हो सके हैं। मतलब मशीनरी आप देख सकते हैं दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर आपकी पूरी यहाँ पे डिजाइन हो रखी है, तो आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी इंटरनेशनल लेवल पे पूरी मशीनरी आप लोगों को मिलेगी। मिटिका टेक्नोलॉजी है ये, मिटिका जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, सबसे पहले जापानियों ने ही इन मशीनों का विषय बनाया था, लेके आने वाले वही हैं, उनको ही हमने फॉलो किया, उनकी ही कॉपी की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपकी जानकारी के लिए वीडियोस हम लाते रहते हैं एक से एक जबरदस्त। अगर आप लोगों को पसंद आई है, अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना यार, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। और जो भी मेरे चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई क्यों नहीं करते हो यार, कर लो। एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबा करके, उसके बगल में घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दिया करिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।